हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने कल शुरू किया हुआ था, यूपीटेट के यहाँ पे यूपीटेट की तैयारी शुरू कर दी है और कल मैंने पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया आप लोगों को कि यूपीटेट में क्या कैसे किस सब्जेक्ट से पूछता है, कितने नंबर का पूछता है। और उसके बाद मैंने बता दिया था कि मैथ का जो मैं यहाँ पे टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, मैथ शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले मैथ पूरा ख़त्म करेंगे एक तरफ से लेके एक तरफ तक, उसके बाद दूसरे चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कल की वीडियो में मैथ का भी पूरा सिलेबस बताया और बताया था कि कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस चैप्टर से आता है और कितनी इंपॉर्टेंस किस चैप्टर की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो पहली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है और उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ मैथ, और मैथ का टॉपिक मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या संख्या पद्धति, यानी कि इसको क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं आज शुरू करूंगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति क्या होती सबसे पहले ये जान लेते हैं। लोग यहां पे तुरंत संख्याओं के बारे में बताने लगते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ये सारी चीजें बताने लगते हैं। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्या को क्यों हम यूज करते हैं, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्यों आता है, संख्या का से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्या अंक गणती वो मान है, यहाँ पे मैं अभी बोल देता हूँ, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा जिससे मैं जो चीज़ बोलता जाऊँ, मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख दूंगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो उस टाइम पे अगर चीज़ें लिख लेंगे तो हो सकता है मैं यहाँ पे ना लिखूँ, तो भी आप उस चीज़ को अच्छे से लिख लीजिए। तो संख्याओं का मतलब ये होता है, इन संख्याओं को सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँ नंबर कहते हैं, और नंबर इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का मतलब है कि नंबरों को लिखने का तरीका पद्धति है, अलग अलग देशों का अलग अलग तरीका है लिखने का नंबरों को। भारत की एक पद्धति है, यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे आपके जो सिलेबस में है वो भारत की एक पद्धति है, और इंटरनेशनल जो लैंग्वेज यहाँ पे नंबर लिखते हैं उसकी एक पद्धति है। तो दोनों चीज़ें देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में देखेंगे उसको। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि नंबर क्या होते हैं। तो नंबर जो होते हैं संख्याओं का अंकगणितीय मान, अंकगणितीय मान मतलब संख्याओं को हम अंक के रूप में लिखते हैं, जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं, किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ का मापन करते हैं, वो संख्याएं होती हैं। यहाँ पे अंकगणितीय मान मतलब संख्याओं में अंक जुड़ा होता है, अंकों से ही मिलकर संख्याएं बनी होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले अंक क्या होता है और संख्याओं और अंकों में अंतर क्या है। अंक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट, ठीक। और क्या दूसरी क्या चीज थी, अंकों से मिलकर ही यहां पे संख्या बनती है। संख्याओं को क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक। अब यहां पे आपने देखा कि अंक है यानी कि डिजिट, डिजिट से ही बनती है संख्या। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि जो डिजिट होती है इसी से मिलकर संख्या बनती है। डिजिट क्या है, जीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, ये टोटल दस डिजिट हैं जीरो से लेके नाइन तक। जितनी भी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी इन्हीं डिजिट से मिलके बनी होंगी। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे क्या ये एक नंबर है, तो जी हाँ, ये एक नंबर भी है और एक संख्या यहाँ पे अंक भी है। जो एक है यहाँ पे, अगर एक सिर्फ लिखा जाए तो ये आपका नंबर भी है और डिजिट भी है, यानी कि संख्या भी है और अंक भी है। लेकिन यहाँ पे अगर ये बात कर दिया जाए कि यहाँ पे दस लिख दिया जाए, तो यहाँ पे कितने नंबर, ये कितना नंबर है, एक नंबर है टोटल, ये दस को मिला के पूरा पूरा ये नंबर है, टेन नंबर है। तो यहाँ पे संख्या कितनी होगी, संख्या तो होगी एक टोटल, यहाँ पे
दस स्वयं में एक संख्या है, तो यहाँ पे संख्या का नंबर हो गया एक। लेकिन यहाँ पे अगर पूछता है कि कितने अंक हैं इसमें, तो अंक यहाँ पे देखेंगे तो एक अंक है एक और एक है यहाँ पे यहाँ पे अंक जीरो, तो यहाँ पे अंक कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, संख्या तो एक है लेकिन अंक हो गए दो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है। अंक जो है मूल, यहाँ पे मूल फॉर्म है, यानी कि जीरो से लेके जो नौ तक है ये सारे के सारे अंक हैं। इन्हीं सब दस जो अंक हैं इन्हीं से मिलके हमारे जितने भी नंबर बनते हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे यानी कि संख्याएं सभी हमारे अंकों से मिलके बनती हैं। ये हो गया आपका अंक और संख्याएं। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे हमारा क्योंकि चैप्टर संख्याओं से रिलेटेड है, अब संख्याओं के बारे में आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात किया जाए कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की संख्याएं, तो मैंने बता दिया क्या होती हैं। संख्याएं होती हैं जिससे हम अंकगणितीय मान है, लिख लीजिएगा, संख्याएं वह अंकगणितीय मान है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, किसी चीज़ को गिनते हैं या फिर किसी चीज़ का मापन करते हैं। जैसे आपने बोला कि एक लीटर दूध ले लिया जाए, तो लीटर में हमने मापा उसको, लेकिन वहाँ पे हमने अंक का वहाँ पे उसको दर्शाया कि एक, तो वहाँ पे अंक हमने दिया उस चीज़ को। तो उसके जो जहाँ पे हम किसी चीज़ को अंक देते हैं, जहाँ पे हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं किसी अंक के द्वारा, उसको कहते हैं संख्या। अब यहाँ पे संख्याएं मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं, पहला होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ, उससे आप देख लीजिएगा। पहला होता है वास्तविक संख्याएं, यानी कि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर। ठीक, ये हो गया आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा कौन सा है संख्या, यहां पे है दूसरा काल्पनिक संख्याएं, यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप लोगों ने देख लिया कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ पे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इसको भी यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट इसका, मैं साइड में हट जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ नहीं है इसमें, दो तरीके की संख्याएं होती हैं, पहला वास्तविक यानी कि रियल नंबर्स, दूसरा काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं किसको कहते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा। संख्या रेखा जो ग्राफ होती है, रेखा ग्राफ पे अगर हम किसी संख्या को हम प्रदर्शित कर सकते हैं तो वो होती है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। रेखा ग्राफ पे, अब रेखा ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। रेखा ग्राफ आपका जो नंबर लाइन होती है ये, इसमें एक जगह कहीं पर जीरो होता है, फिर वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, इसी तरीके से ये बढ़ता जाता है, कहाँ तक जाता है, प्लस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और ये बढ़ता जाएगा कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। इसे कहते हैं रेखा ग्राफ। रेखा ग्राफ पे, इस पर हम कोई अगर हम संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक हो गया, एक को हम बता सकते हैं कि यहाँ पे है, ये माइनस एक हो गया, यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे है माइनस एक। 2.5 कहेंगे तो 2 और 3 के बीच में कहीं होगा, 2 और 3 के बीच में कहीं होगा, तो यहाँ पे कहीं हम प्रदर्शित कर सकते हैं 2.5 को भी। तो संख्या रेखा ग्राफ पे जिस भी संख्या को हम दर्शा सकते हैं उसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। जो वास्तविक संख्या है, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, इसका जो परिभाषा है
रेखा ग्राफ पे हम किसी भी संख्या को हम प्रदर्शित अगर कर सकते हैं तो उसको कहते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या है, और जस्ट उल्टा इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिनको हम रेखा ग्राफ पे प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो कैसी संख्या है जिसको हम रेखा ग्राफ पे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, किसका मान हम इसमें नहीं रख सकते हैं? तो जितने भी यहाँ पे वर्गमूल हैं, वर्गमूल ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल जो कि माइनस में है, जैसे कि माइनस पांच, ठीक है, माइनस सोलह, जितने भी वर्गमूल हैं माइनस में, ऋणात्मक वर्गमूल हैं किसी भी संख्या के, वो हो जाएंगी काल्पनिक संख्याएं जिसको हम यहां पे संख्या रेखा पे, रेखा ग्राफ पे प्रदर्शित यानी कि रख नहीं सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। अब काल्पनिक संख्याओं में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज और होती है काल्पनिक संख्याओं में, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, ये तो हो गया आपका काल्पनिक संख्या, लेकिन अगर इसी चीज को इस तरीके से लिखा गया है 16, ठीक है, आई, तो क्या ये आप बता सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या है या फिर काल्पनिक संख्या है इसको? तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि रूट 16 आई एक काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि जो आई की वैल्यू गणितीय भाषा में आपको मैं बता दूं, आई का जो मान होता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ध्यान से देख लीजिएगा, आई का जो मान होता है अंडर रूट में माइनस एक होता है, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आई का मान जो होता है रूट में माइनस एक होता है, तो जहां पे अगर हम 16 के बाद रूट में 16 के बाद यहां पे माइनस एक रख देंगे तो ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा माइनस रूट 16 हो जाएगा, यानी कि माइनस रूट 16 हो जाएगा, जो कि आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि काल्पनिक संख्या है। तो जिस भी संख्या में अगर आपके एग्जाम में पूछता है इस तरीके से यहां पे दे देता है रूट में 5 और यहां पे आई लिख देता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि आई का जो मान होता है वो हमेशा फिक्स रहता है माइनस वन, इसलिए अगर किसी भी संख्या के साथ अंडर रूट में आई जुड़ा हुआ है तो वो काल्पनिक संख्या होगी, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। अब हम इसके बाद चलेंगे, काल्पनिक संख्याएं तो हो गई आपकी, अब हम चलेंगे वास्तविक संख्याओं की तरफ, रियल नंबर्स की तरफ। तो दोस्तों अब चलते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, इसको मैं रफ कर लेता हूं, फिर रियल नंबर के बारे में बताता हूं आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वास्तविक संख्याओं के बारे में यानी कि रियल नंबर्स के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे होता है पूर्णांक, यानी कि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर, ठीक है, इसको कहते हैं इंटीजर। और दूसरा क्या होता है यहां पे वास्तविक संख्याओं का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा है दशमलव, ध्यान से देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये, दशमलव को क्या कहते हैं हम, डेसिमल, ठीक। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स भी दो प्रकार की होती हैं, पहला हो गया आपका पूर्णांक यानी कि इंटीजर, दूसरा हो गया दशमलव यानी कि डेसिमल। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं तो पूर्णांक तो यहां पे समाप्त हो जाता है कि यहां पे इसके आगे उसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर दशमलव की बात की जाए तो दशमलव का फिर से दो पार्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव का दो पार्ट कौन कौन सा है, शांत दशमलव और दूसरा कौन सा है,
शांत दशमलव। ठीक, डेसिमल में देख लीजिए, पहला है शांत दशमलव, दूसरा है अशांत दशमलव। अब इसके आगे भी अगर बढ़ा जाए तो अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा मैं ग्राफ बना दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का। इंटीजर हो गया पहला वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में पहला हो गया इंटीजर यानी कि पूर्णांक, दूसरा हो गया दशमलव यानी कि डेसिमल। डेसिमल में भी आगे बढ़ते हैं तो पहला हो जाएगा अशांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा है अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है वो खत्म हो जाएगा, शांत से ही आपको पता चल रहा है कि शांत है तो वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे शांत है तो खत्म हो जाएगा तो इसके आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अशांत दशमलव तो यहाँ पे भी वो दो तरीके से जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अशांत दशमलव वो भी दो तरीके से आगे बढ़ेगा, पहला अशांत दशमलव में यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, पुनरावृत्ति रुकेगा भी नहीं और पुनरावृत्ति भी नहीं होगा संख्याओं का, अंकों का। और दूसरा क्या है, अशांत दशमलव में टर्मिनेट तो होगा ही नहीं, टर्मिनेट तो होगा नहीं अशांत है तो, लेकिन वो रिपीट होगा, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा 0.44444 वो कभी रिपीट रुकेगा नहीं लेकिन चलता जाएगा, 0.44 रिपीट करता जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा बस। और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ है, आप देख लीजिएगा, वास्तविक संख्याओं का पूरा ग्राफ आप बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप कॉपी में अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो जरूर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी हेल्प करेगा आपका, कभी भी आप रिवाइज करेंगे चीजों को तो एक बार देखेंगे पूरा ग्राफ, आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाएगा। वास्तविक संख्या है रियल नंबर, पहला हो गया दो पार्ट में पूर्णांक इंटीजर, दूसरा हो गया दशमलव डेसिमल। अब यहाँ पे पूर्णांक यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसके आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन डेसिमल दो तरीके से आगे बढ़ता है, पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत हो गया तो खत्म हो गया, अशांत है तो आगे बढ़ेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि ना तो वो रिपीट करे, खत्म होगा ना तो रिपीट करेगा, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा बार बार। तो ये पूरा हो गया आप लोगों का वास्तविक संख्याएं। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, पहले हम दशमलव के बारे में देख लेते हैं कि दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद लास्ट में फिर समझाने के बाद आप लोगों को मैं पूर्णांक बता दूंगा, क्योंकि पूर्णांक ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये वाली चीज़ काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक एक करके मैं आप आगे बढ़ूंगा, और जल्दीबाजी मत करिएगा, आराम से पढ़िएगा, आप लोगों के पास टाइम बहुत है, आराम से पढ़िए। जो बच्चा जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, मेरा यहाँ पे टारगेट है कि अगर जिसको मैथ नहीं आती हो उसको भी मैथ यहाँ पे देखने के बाद समझ में आने लगे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो अच्छे से मैथ पे भी फोकस करने लगे। तो यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रहा था, दशमलव। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने बताया पहला वाला क्या था, शांत दशमलव। ठीक, शांत दशमलव के बारे में देख लेते हैं, फिर अशांत की तरफ बढ़ेंगे। शांत दशमलव को कहते हैं टर्मिनेटिंग, पहले तो इसको लिख लीजिएगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, पी बाई क्यू के फॉर्म में। आपको ध्यान होगा, अगर आप कभी भी मैथ पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा, परिमेय संख्याएं भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वो शांत दशमलव होंगी। शांत दशमलव का मतलब, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप 0.56,
या फिर 0.12, ये सारी की सारी शांत दशमलव हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। कैसे यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0.56 को क्या लिखेंगे, 56 लिख दीजिए बटे में, यहाँ पे दो दशमलव है, दो अंकों के आगे दशमलव है, तो एक लिखने के बाद दो जीरो बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा आपका। अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, देखेंगे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे 0.56 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 0.12 को भी यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, 12 लिख लीजिए, जिसको मैथ नहीं आती उसको मैं समझा रहा हूँ, जिसको मैथ आती तो वो तो आराम से कर लेगा, ये 12 लिख लीजिए, और दो अंकों के आगे दशमलव है तो एक लिखिए सबसे पहले, और दो अंकों के आगे दशमलव था तो दो अंक यहाँ पे जीरो बढ़ा दीजिए दो, ये हो गया आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो जिस संख्या को यहाँ पे दशमलव की संख्या को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम दूसरी तरफ, दूसरी तरफ यानी कहाँ, अशांत दशमलव की तरफ, अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, संख्याएं ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं 0.14 1414 1 4 -, ये चलती ही चली जा रही हैं। और दूसरा क्या है, 0.23 8 6 7 -, ये चलती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों अशांत दशमलव है, रुकने का नाम नहीं ले रही, टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगी, अशांत दशमलव हो जाएंगी। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अशांत दशमलव के दो तरीके टाइप बताए थे, पहला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ है, जो पहला वाला एग्जाम्पल वो आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा है और रिपीट कर रहा है बार बार, देखिए 1 4 1 4 1 4 इसी तरीके से रिपीट करता चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो कोई पैटर्न नहीं है, 2 3 8 6 7 कोई अंक संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसका क्या, यहाँ पे जो अशांत दशमलव होता है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये वाली वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली, इसको मैं अभी रफ कर दे रहा हूँ, इसको बाद में आपको बताऊँगा, पहले इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो अशांत दशमलव में पहला पार्ट मैंने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में क्या होता है कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अशांत दशमलव में भी जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो ये भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। इसको कैसे लिखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बता दूंगा इसी के साथ में, पॉइंट रिपीट क्या कर रहा है, 1414 रिपीट कर रहा है, तो 0.14 बार बार आ रहा है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 0.14 के ऊपर बार लगा देते हैं, ये बार का निशान है। इसको याद कैसे रखेंगे, जो भी संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर ये लाइन खींच देंगे, जिसको हम कहते हैं बार। ठीक है, इसको कहते हैं बार, तो 0.14 के ऊपर बार लगा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। अब इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0.14 के आगे बार है तो जितनी भी संख्या ऊपर लिखी गई है यहाँ पे, पहले तो वो ऐसे लिख लीजिए 14 बटा लिख लीजिए, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, ठीक है, उतनी बार यहाँ पे 99 लिख लीजिए, मतलब उतनी बार 99 लिख दीजिए, 99 लिख दीजिए। यहाँ पे 14 के ऊपर बार था, 0.14 के ऊपर बार था, तो 0.14 के ऊपर मतलब यहाँ पे एक अंक हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, तो बार हटाने के लिए ऐसे संख्या लिख दीजिए, 14 का 14 यहाँ पे लिखा गया, और उसके जितनी भी संख्याओं के ऊपर, जितनी भी अंकों के ऊपर बार था उतने बार यहाँ पे 9 9 लिख लीजिए, तो 2 के ऊपर यहाँ पे था एक अंक ये दो बार 9 9 लिख दिया, तो यहाँ पे आप देखिए ये भी आपका क्या हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। यानी कि जो अशांत दशमलव में यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपका रिपीटिंग वाला था वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए,
आपका, मैं रफ कर देता हूं इसको, यहां पे जो भी दूसरी संख्या लिखी थी मैंने, कोई भी मान लीजिए, फिर से याद नहीं है वो, 2 7 6 5 3 ... तो क्या इसको आप, कोई पैटर्न है यहाँ पे, इसमें बार लगा सकते हैं, कौन किस संख्या के ऊपर बार लगाएंगे, कोई रिपीट नहीं कर रहा है आपका, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है उसको हम बार के फॉर्म में या फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्याएं। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको दशमलव भी समझ में आ गया होगा, दो तरीके के मैंने बताया यहाँ पे दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्या होगा ये भी। अशांत दशमलव में जो एक पहला पार्ट था, अशांत दशमलव में, अशांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग, वो आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखा जा सकता है मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया है, एक एग्जाम्पल लेके और बता देता हूँ क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जो भी मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मान लीजिए संख्या है 0.5161616, ठीक है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें 1616 रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे बार वाले फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसको मैथ नहीं आती उसको समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जिसको मैथ आती है। यहाँ पे आप 0.516 यानी कि यहाँ पे 16 के ऊपर बार लगेगा, 5 रिपीट नहीं हो रहा है तो 5 के ऊपर बार नहीं लगेगा, 16 के ऊपर बार लगेगा, तो इसको कैसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में तोड़ेंगे। पूरी की पूरी संख्या सबसे पहले लिख लीजिए 516, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए इसमें से, किसके ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है, इसको घटा दिया, और बटे में क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर बार है उसको मैंने क्या बताया था, उसकी उतनी संख्या नीचे 9 लिख लीजिए, तो 6 के ऊपर बार है तो 1 9 लिख लिया, 1 के ऊपर बार है तो 1 9 और लिख लिया, और 5 के ऊपर बार नहीं है तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, 516 में से 5 गया तो 511/990, ये हो गया आपका पी बाई क्यू फॉर्म में। इसको इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे आपका बार वाला मैं कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करना चाहता था कि बार को कैसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपका ये पता चल गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अगर आगे जाके रिपीट हो रहा है तो उसको कैसे यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई मान लीजिए एग्जांपल कोई कहेगा कि यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे संख्याएं होती हैं जिसका हम वर्गमूल यहाँ पे नहीं निकाल सकते, जैसे डायरेक्ट में इसका तो हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया 9 तो इसका होता है 3, तो ये तो आपका हो जाएगा 3 आ गया तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 आएगा तो 3/1 कर देंगे तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पर बात की जाए कि √5 है तो √5 को हम क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अशांत दशमलव में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसका हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो जितनी भी ऐसे वर्गमूल हैं जिनका हमको एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं पता है उसको भी हम यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले फॉर्म में रखते हैं और वो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, √8 है मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा, √8 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब √8 को 2√2 कैसे लिखे, तो यहाँ पे अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं 2√2 का, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये रूट से रूट में 2 है तो ये रूट हट जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 में रूट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, 2√2 लिखते हैं ना, 2 क्या है आपका परिमेय संख्या है और √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो जहाँ पे परिमेय संख्याएं हो और उसका गुणा अपरिमेय में हो तो वहां पे क्या निकल के आता है, पूरी की पूरी संख्या क्या है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या आ जाएगी, अपरिमेय।
अभी परिमेय और अपरिमेय नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं समझा देता हूँ। तो बस यहाँ पे दशमलव और दशमलव के टाइप बता रहा था, तो वो समझ गए होंगे आप आशा करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे परिमेय अपरिमेय के बारे में, उसके बाद यहाँ पे हम पूर्णांक की तरफ बढ़ेंगे। अब इसको रफ कर देते हैं दोस्तों, इसके बाद मैं चलूंगा आगे की तरफ परिमेय अपरिमेय की संख्याओं के बारे में तरफ, दिखाऊंगा आप लोगों को कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। वहां पे ये शांत दशमलव अशांत दशमलव का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरीके से आप लोगों का। अब यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे, तो ध्यान से देखिएगा, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं में पहला इसमें एक और होता है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और दूसरा क्या है? दूसरा है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, यानी कि इररेशनल नंबर। वास्तविक संख्याओं में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक आपका होता है पूर्णांक, दूसरा होता है दशमलव। अब है यहाँ पे वास्तविक संख्याओं में एक होता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे रेशनल नंबर वो होता है, आप सभी ने इसका जो परिभाषा वो देख सुन रखा होगा, लेकिन जिसको नहीं पता यहां पे मैं बता देता हूं। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, Q जो है हमारा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? P कुछ है, कोई संख्या है, Q की जगह पे अगर जीरो रख देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, नीचे जीरो रख दिया हमने Q की जगह पे, ये P की जगह पे 9 रखा और Q की जगह पे जीरो रख दिया, तो क्या हो जाएगा ये, इसका ये अनडिफाइन हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं हो सकता, तो ये अनडिफाइन होगा, इसलिए हमारा Q की जगह पे हम कभी भी जीरो नहीं रखते हैं अगर हम उसको परिमेय संख्या बनाना चाहते हैं। तो पहला हो गया आपका P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना, दूसरा हो गया आपका Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, और तीसरा क्या है, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, P और Q दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए यानी कि इंटीजर होने चाहिए। तो ये तीनों अगर कंडीशन फॉलो करता है, पहला P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1 लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, P बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, 1 लिख दिया तो Q हमारा जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, और दोनों P और Q दोनों पूर्णांक हैं, 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो आपका ये परिमेय संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका परिमेय संख्या है। अब इरेशनल नंबर की तरफ चलते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है, सिंपल सा यही जो कंडीशन है यहाँ पे P बाई क्यू के फॉर्म में, हम जिस संख्या को P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। याद रखिएगा, जिस संख्या को हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर हो जाएंगी। इरेशनल नंबर में क्या क्या आता है, यहाँ पे जो अभी मैंने बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो सारी की सारी इरेशनल नंबर मैंने उसी समय बताया था। जैसे यहाँ पे संख्या मान लीजिए दशमलव में है, 3, 2, 6, 5, 7... ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी यानी कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा यहाँ पे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल,
इरेशनल नंबर का दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है आप सभी को पता होगा, आप मैथ पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है अगर मैथ नहीं पढ़े तो आज मैं बता देता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 3.14, यहाँ पे ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है, कोई वैल्यू यहाँ पे इसकी रुकती नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछता है कि पाई जो है वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। इसके आगे एक होता है ई लिखा रहता है मैथ में आपके, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या होता है दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल होता है चर घातांक। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है यहां पे आपको मैं लिख के दिखा देता हूं, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.71828, ये होती है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू। क्या इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू रुकती नहीं है, ये आगे बढ़ती जाती है। तो जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या फिर पाई की वैल्यू ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, आगे ये बढ़ता जाएगा, इसका वैल्यू आगे बढ़ता ही चला जाएगा, तो सारी की सारी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो सारी की सारी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका, और अभी मैंने बताया था जितने भी वर्ग मूल हैं, जैसे उसके जो एग्जैक्ट मूल नहीं पता उसका, घात 5 हो गया, घात 7 हो गया, घात 11 हो गया, अंडर रूट में घात कह रहा हूँ, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, रूट में 11 हो गया, रूट में 13 हो गया, जिसका एग्जैक्ट मान नहीं पता है हमको, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इसका वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं की तरफ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं और दशमलव की संख्याएं, तो मैंने बताया था कि पूर्णांक लास्ट में पढ़ाएंगे, तो पूर्णांक का अब समय आ गया, दशमलव वाला समझ में आ गया होगा आपको, परिमेय अपरिमेय भी समझ में आ गया होगा, अब समय आ गया पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो यहां पे पूर्णांक संख्याएं देखिएगा, पूर्णांक यानी कि क्या इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या क्या होती हैं आप सभी को पता होगा, पूर्णांक संख्याएं सभी संख्याएं, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो शून्य हो, सभी की सभी पूर्णांक संख्या होती है, ऋणात्मक से लेकर धनात्मक इन्फाइनाइट तक जो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी पूर्णांक होती है। यानी कि इसको अगर हम यहाँ पे बांटें तो यहाँ पे दो तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। पहला होगा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, और दूसरा होगा पूर्णांक यहाँ पे, अभी ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे धनात्मक नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ आपको ऋणात्मक नॉन नेगेटिव। पूर्णांक को मैंने दो तरीके से लिखा, ऋणात्मक और अऋणात्मक। ऋणात्मक में क्या आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, यहां से पूरा चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, ठीक है। यहां पे ऋणात्मक संख्याएं ये हो गई। अऋणात्मक में क्या होगा, अऋणात्मक में ध्यान दीजिएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और ये आगे बढ़ता जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऋणात्मक और अऋणात्मक इसलिए लिखा है कि यहाँ पे आप लोगों को समझाना है मुझे कि यहाँ पे पूर्णांक जो होती है वो ऋणात्मक से लेके ऋणात्मक असंख्य से लेके धनात्मक असंख्य तक अनंत तक होती है, ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक जो होती है सभी की सभी होती हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे आपसे अगर पूछता है वो कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अब इसी के अंदर आता है आपका जो नंबर सिस्टम है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे चलूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस पर मैं आपको जो छोटी छोटी चीज़ें बची होंगी सम विषम
पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर्स, ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा। तो यहाँ पे इसके अंदर आप देखिए तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को कहते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, सभी की सभी है जो अऋणात्मक वाली संख्याएं हैं वास्तविक, यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत जो अऋणात्मक वाली संख्याएं जो है पूरी जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको ऋणात्मक और धनात्मक क्यों नहीं लिखा था, धनात्मक इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मुझे यहाँ पे होल नंबर बताना था। पूर्ण संख्याओं में होल नंबर जो होता है वो पूरी की पूरी अऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए प्राकृतिक संख्याओं की, नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर जो है आपका जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक है, उसमें से जीरो हटा दीजिए तो आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर, यानी कि जो वन है, टू है, थ्री है, डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक है, ये सभी का सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। जीरो यहाँ पे क्यों हमने घटाया, क्योंकि जो नेचुरल होती हैं प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिससे हम किसी वस्तु को गिनते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिससे हम किसी वस्तु को गिनते हैं, जैसे ये एक ब्लैक बोर्ड, ये एक बोर्ड है, वाइट बोर्ड, एक मार्कर है ये, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि जीरो मार्कर है, ऐसे तो नहीं गिन सकते ना, जीरो को से हम कोई संख्या गिनते नहीं हैं, तो जीरो हम हटा देते हैं नेचुरल नंबर्स में से, प्राकृतिक संख्याओं में से हम जीरो हटा देते हैं। जीरो को कहाँ पे रखते हैं, होल नंबर्स में, जब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जीरो रखते हैं, जो कि हमारी अऋणात्मक संख्याएं कह सकते हैं उसको, और यहाँ पे एक होती है जो पूर्ण संख्या, उसमें हमारा ऋणात्मक से लेके इनफाइनाइट से लेके धनात्मक इनफाइनाइट तक सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का पूरा यहाँ पे नंबर सिस्टम, यहाँ पे मैंने कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ जितना भी समझाया मैंने आज, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकता, क्योंकि काफ़ी बड़ा है नंबर सिस्टम, और मेरा उद्देश्य यह है कि आपका जो इस समय आपदा आई हुई है कोरोना की, उस समय आप दो तरीके के लड़कों को देखेंगे, दो कैटेगरी के बच्चों को देखेंगे। एक तो वो बच्चे होते हैं जो शांति से बस टेंशन है कि कोरोना है तो क्या होगा, कैसे होगा, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है तो क्या करें, उस तरीके की कैटेगरी के एक बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ गए हैं। और दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये टाइम हमको मिल गया है, अच्छा टाइम है, इस टाइम हम और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि जल्दी कोई एग्जाम होने नहीं वाला है, दो तीन महीने में अगर आपका ये कंडीशन COVID-19 की सही होती है तो उसके बाद ही सारे एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो आप लोगों के लिए जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं कि पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा यहाँ पे गाइडेंस रहेगा, मैं आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूँगा, यहाँ पे कोशिश करूँगा, मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को अच्छे से बताऊँ, भले ही धीरे चलूँ, बेसिक से चलूँ, एडवांस तक जाऊँगा, आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि उन सभी बच्चों को समझ में आए ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती उसका इंटरेस्ट भी इसमें लग सके। तो आपके इतना काम है कि आप डेली बेसिस पे जो मैं पढ़ाऊँ उसको कॉपी में नोट कर लिया करिए, उसको एक बार रिवाइज कर लिया करिए, और नेक्स्ट डे जब भी मैं क्वेश्चन कराऊँ तो उसको करने की खुद से कोशिश करिए। तो दोस्तों मेरा अगर मेहनत ये अच्छी लग रही है मेरी मेहनत, रात में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, देख लीजिए कितने पसीने हो गए मुझे, तो अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए वीडियो को, और अभी तक अगर नए हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा इधर वीडियो के नीचे में, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे मैं यहाँ पे जो दो दो दिन का यहाँ पे अभी टाइम टेबल चल रहा है, दो दिन मैं यूपी बीएड की तैयारी कर रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, दो दिन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए यूपी टेट मैथ अभी चल रहा है, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, और दो दिन यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ RRC ग्रुप डी का जो है वहाँ पे मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप तीनों एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, यहाँ पे जितनी मेहनत आप लोग करेंगे उससे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं,
अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करिए, और रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए वीडियोस रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।